हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोरर रॉयल एनफील्ड। और मेरा नाम है अनुज। तो आज हमारा छठा दिन है। पांचवें दिन हमने राइड नहीं की, उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चौथे दिन हम लांगजा में रुके थे। लांगजा ऐसी जगह है ना जिसकी यादें आपके साथ जिंदगी भर तक रहेंगी, ये लगा लो, इतनी खूबसूरत है। और यहाँ के लोग, मतलब लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ना हेल्पिंग नेचर के होते हैं, ये लगा लो। दिल्ली में तो पता ही होगा आपको, वहाँ तो कोई नया बंदा दिखा तो लूटने लग जाते हैं लोग। आपको मैं अपने इलाके की बात बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, बरसात में ना पानी भर जाता है, ये लगा लो, इतना ज्यादा पानी होता है कि तालाब जैसा बन जाता है। तो जो लोग काम पर जा रहे होते हैं या फिर जो लोग काम से वापस आ रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा पानी भरा होता है तो रोड पे चलने की जगह ही नहीं होती। तो वहाँ शेयरिंग ऑटो भी चलते हैं। उन ऑटो का नॉर्मल किराया ना 10 रुपए होता है सिर्फ। और जैसे ही बारिश होती है ना, उसके बाद उन ऑटो वालों के जो किराए डायरेक्ट 50 रुपए, 70 रुपए इस तरह से बढ़ जाते हैं। तो मतलब यही है कि मौके का ना फायदा उठा लेते हैं, आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पे लोग इतने ज्यादा अच्छे होते हैं ना पहाड़ों में, ये लगा लो कि कभी कोई लैंडस्लाइड वगैरह आ जाए या फिर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो लोग ना यहाँ पे फंस जाते हैं, ना वो आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे जा सकते हैं। तो ऐसे मौके पे क्या होता है, यहाँ के जो लोग हैं ना वो उनकी बहुत मदद करते हैं। वो उनको खाने के लिए खाना भी देते हैं और रहने के लिए जगह भी देते हैं। मतलब वो दिल्ली वालों की तरह नहीं है कि आ गया, मौका आ गया, लूट लो, खा जाओ इन्हें। कहने का मतलब वही है कि यहाँ जितनी अच्छी जगह है ना, ये उतने अच्छे यहाँ पे लोग भी हैं। तो हम लांगजा की बात कर रहे थे। ज़्यादातर लोग ना काजा में जाके रुकते हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो काजा की जगह ना यहाँ लांगजा में आके रुकें। फिर जो होम स्टे है ना, बिल्कुल आपको एकदम घर वाली फीलिंग देंगे, क्योंकि यहाँ आप उनके घर में बिल्कुल एकदम फैमिली मेंबर की तरह रह रहे होंगे। वो लोग खाना बना रहे होंगे तो तुम प्याज काट रहे होगे या आलू छील रहे होगे, और आप उनसे उनकी ना पूरी जन्म कुंडली पूछ लोगे कि आप यहाँ पे कैसे रहते हो, इतनी ठंड में कैसे सर्वाइव कर रहे हो, और यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं, कौन कौन से मौसम में यहाँ पे खेती करते हो। और यहाँ पे फॉसिल्स भी मिलते हैं, वो फॉसिल्स होते हैं ना जो समंदर के अंदर होते हैं, वो फॉसिल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे होम स्टे में, मतलब नॉर्मल मिल जाएंगे। और वो टूरिस्ट को मतलब ऐसी दे देते हैं वो। इन सबसे अलग यहाँ का नाइट व्यू, ये ऐसी चीज है ना, आपको कोई कितनी भी इसकी तारीफें कर ले आपको नहीं समझ में आएंगी जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। मैंने करी है इसलिए मुझे पता है। एक बार आसमान की तरफ देखने लगोगे ना तो डूब जाओगे उसी में। बिल्कुल ऐसा फील होता है ना कि आप उन तारों के बीच में हो, और इतने सारे तारे टूटते हुए नजर आएंगे ना आपको, मतलब हद ही है। हम तो यहाँ पता है क्या कर रहे थे, एक दूसरे को बस यही बता रहे थे, देख देख देख, यहाँ देख, जल्दी देख, यहाँ देख, यहाँ देख। मतलब हमारी गर्दन दर्द हो गई इधर उधर देखते हुए, लेकिन हमारा मन वो नहीं भरा। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ वो नाइट व्यू की फोटो भी शेयर करी है, तो वो फोटो ना एकदम ओरिजिनल है, उसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है। और ये फोटो भी हमने ना यहीं पे आके मतलब क्लिक करना सीखा। इससे पहले तो हम वही नॉर्मल मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन करा, फोटो खींची। मैनुअल सेटिंग के बारे में हमारी नॉलेज एकदम जीरो थी। वो तो शुक्र है यहाँ पे ना प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स थे, तो उन्होंने हमें सिखाया कि मैनुअल की ये सेटिंग होती है, इस तरह आप फोटो खींच सकते हो। हमारे पास तो ट्राइपॉड भी नहीं था, यहीं पे पत्थरों से रख रख के, पत्थरों का सहारा ले लेके हमने ट्राइपॉड टाइप का बनाया और उन्हीं से फिर अपनी फोटो खींची। दुनिया भर से यहाँ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स आते हैं सिर्फ इस नाइट व्यू को कैप्चर करने के लिए। उन्होंने हमें बताया कि मतलब यहाँ पे जो ये गैलेक्सी नजर आती है ना, ऐसी गैलेक्सी पूरी इंडिया में कहीं और इतनी नजर नहीं आती साफ। वैसे तो और जगह भी आती है, लेकिन वहाँ क्या सीन होता है, रात को ना बादल वगैरह आ जाते हैं तो इस वजह से गैलेक्सी पूरी नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ पे बादलों का कोई सीन नहीं है, यहाँ एकदम आसमान बिल्कुल साफ होता है। यहाँ पे आना ना वर्थ है, 1% भी आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। पर कुछ चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आप जितना ज्यादा हो सके पानी पीते रहें, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट ना होने दें, और अपने साथ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की दवाई तो जरूर ही रखें, क्योंकि यहाँ इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होना नॉर्मल सी बात है। हम लोगों ने आज से पहले ये चीज़ कभी महसूस नहीं की थी, यहाँ आकर ही हमें पता चला कि ये क्या बला है। हम जितने भी लोग थे ना, सबके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, सबके सब बीमार थे। हम सबसे ज्यादा हालत खराब पाजी की थी, उसका शरीर तो इतना गर्म था ना कि जैसे ऐसा लग रहा था कि उबल रहा हो। पूरी रात हम में से कोई नहीं सो पाया। पाजी के माथे पर तो पूरी रात ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी गई थी, और हमारे पास दवाइयाँ भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हम अपने साथ दवाइयाँ लेकर नहीं गए थे, हम अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर गए थे। राइड पर जाने से पहले ही फर्स्ट एड बॉक्स बनाने का काम हमने एक बंदे को दे दिया था। यहाँ मैं उसका नाम लेकर उसे बदनाम नहीं करूँगा, क्योंकि जैसा भी है दोस्त है हमारा, जैसे बिल्कुल मेरा पति मेरा देवता है। खैर, फर्स्ट एड बॉक्स में पता है क्या रखा था? सतमोला, इनू, विक्स, एक दो गोलियाँ भी थी जैसे पेट दर्द की, लूज मोशन की, पर एक भी गोली सर दर्द या बुखार की नहीं थी, ना ही कोई पेन किलर टाइप की थी। ये चीज़ें तो हमें यहाँ लांगजा में आके पता चला कि भाई ने फर्स्ट एड बॉक्स में सतमोला शामिल की हुई है। खैर, वो तो शुक्र है होम स्टे में और भी लोग थे,
उन लोगों से दवाई लेकर हमारा काम चल गया। फिर सुबह जब हम लांगसा से निकले तब हमने सोचा वापस काजा जाकर दवाई ले लेते हैं, और काजा में हॉस्पिटल भी है तो डॉक्टर को भी दिखा लेंगे, क्योंकि पाजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी उसकी। मतलब सुबह तक ना उसका बुखार उतरा ही नहीं था। तो हम वापस काजा गए, काजा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे हमने पाजी का चेकअप कराने के लिए उसको डॉक्टर के दिखाया, और डॉक्टर ने देखते ही बता दिया कि इसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है। वैसे नॉर्मल सी चीज है, हर किसी को हो जाता है, पर कुछ लोगों पर इसका ज्यादा इफेक्ट करता है। वही है ना, अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग है, किस पे कम असर कर रहा है, किसी पे ज्यादा असर कर रहा है। फिर पाजी को एडमिट करके कम से कम 2.5 या 3 घंटे तक ऑक्सीजन चढ़ी थी उसको। वैसे काजा पहुँच कर हम सब तो नॉर्मल हो गए थे बिल्कुल, क्योंकि एक तो काजा थोड़ा सा नीचे है और वहाँ पे पेड़ पौधे भी है, हरियाली भी है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान था वो था चंद्रताल जाने का, पर चंद्रताल वो काजा से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, तो हमने डॉक्टर से वहीं सलाह ले ली कि हम वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते। डॉक्टर ने हम सबके लिए तो हाँ कर दी, पर पाजी के लिए उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि इसकी हालत वहां जाने के लिए नहीं है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ये सर्वाइव नहीं कर सकता वहां पे, अगर रिस्क लेना है तो तुम सब ले सकते हो अपने ऊपर, लेकिन मैं मतलब मना कर देता हूँ पूरी तरह से, ऐसे कह रहा था डॉक्टर। बल्कि डॉक्टर तो ये कहने लगा कि तुम लोग ना आगे मत जाओ, यहीं से वापस शिमला चले जाओ, क्योंकि यहाँ से आगे जाने का मतलब और ज्यादा हाइट पर जाना है। तब हमने सोचा ये सब तो हम बाद में देखेंगे, पहले पाजी डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि इतनी दूर आकर वापस जाने का मन तो किसी का भी नहीं था। वैसे भी 4 दिन हमें आने में लगे, अब वापस जाएंगे 4 दिन और लगेंगे। फिर पाजी के डिस्चार्ज होने पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम चंद्रताल नहीं जाएंगे, चंद्रताल हम ड्रॉप कर देते हैं, पर मनाली इसी रूट से आगे जाएंगे, चंद्रताल फिर कभी चले जाएंगे अगर किस्मत में हुआ तो देख लेंगे, फिलहाल अभी हेल्थ देख लेते हैं। और वैसे भी बाइक पर चलते हुए तो सब नॉर्मल ही लगता है, वो तो रात में हम लांगजा में रुक गए थे इसलिए ऐसी हालत हो गई थी, और हमारी बॉडी को भी टाइम लगता है ऐसे माहौल में ढलने, क्योंकि हम एकदम से अचानक से हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होना जाहिर सी बात है। उसके बाद हम काजा में ही रुके, क्योंकि आधा दिन निकल चुका था और आप सामने देख ही रहे हो यहाँ तो पूरा वीरान है, यहाँ रुकने की भी जगह नहीं है। तो बस यही स्टोरी थी हमारे 5वें दिन की राइड ना कर पाने की, और आप हमारी गलतियों से सीखे और फर्स्ट एड बॉक्स रखने की जिम्मेदारी किसी समझदार इंसान को दे, और उसके बाद भी उसे क्रॉस चेक जरूर कर ले राइड पे जाने से पहले, और वीडियो को एंड तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा, और मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा तो फिर इस चैनल को यहीं पे बंद करना पड़ेगा। तो इसे आसमान की ऊंचाई में पहुंचाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा धक्का लगाओ, और अपने सजेशंस दें मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और पाजी की मैंने हॉस्पिटल में एडमिट वाली फोटो लगाई हुई है वीडियो के एंड में, तो आपको पूरी देखनी ही पड़ेगी।